नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया वॉच मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव शुरुआत करते हैं पहली खबर से आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में जहां सभी नेता एक अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के बागी सांसद रहे वह फिल्म अभिनेत्रा, अभिनेता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आज औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आपको बता दें कि पिछले महीने 28 मार्च को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोखिल ने एक ट्वीट कर बताया था कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 6 अप्रैल को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे साथ ही खबरें हैं कि वो पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट ना देकर इस सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतारा है बता दें कि अभिनेता से राजनेता बने सिन्हा साहेब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कामकाज के हमेशा से आलोचक रहे हैं तो आपको बता दें कि अभिनेता से नेता तो आपको बत, तो आपको आपको बता दें कि अभिनेता से राजनेता का सफर तय करते करते शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार बड़ा झटका लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट कट गया और 28 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की बागी तेयर इख्तियार करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने और औपचारिक रूप से आज ऐलान हो सकता है यानी कि 6 अप्रैल को आज ऐलान किया जा सकता है कि कांग्रेस में ये शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं प्रवक्ता शक्ति सिंह गोखिल ने इस बात की ट्वीट कर जानकारी दी लेकिन देखना यह है कि पटना साहिब से जहां पर इस बार चुनाव में बीजेपी से टिकट दिया गया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर को तो अब ये एक बड़ा फैसला कि कांग्रेस से किसको और कहां से इनको उतारा जा सकता है इस पर एक अहम सवाल तो हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट परिचय करा देते हैं डॉक्टर आलोक सोती सामाजिक कार्यकर्ता पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार आपको दोनों का स्वागत है सर पंकज रस्तोगी जी अभिनेता से राजनेता का सफर तय किया गया लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी से इन्हें दामन अपना छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा बागी तेवर इख्तियार करने वाले साफ स्पष्ट रूप से कभी भी अमित शाह हो या फिर मोदी जी कभी भी उनके कामकाज को सराहते हुए नजर नहीं आए देखिए शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से दो बार सांसद रह चुके हैं और एक बार तो ये अटल जी की सरकार में जहाज रानी मंत्री भी थे कैबिनेट मंत्री भी थे लेकिन इनका काम काज का तरीका उस समय जब जहाज रानी मंत्री थे उस समय भी बहुत अच्छा नहीं था उस समय भी इन्होंने बहुत एक्सपेंडिचर परस्त आदमी थे मतलब कहने का मतलब विभागीय खर्च को ये बहुत शानसाही तरीके से इन्होंने विभाग चलाया और इस बार भी जब सरकार बनी तो ये चाहते थे कि इनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाए इसके यही इनकी नाराज़गी का मुख्य कारण था शुरू से ही ये इसीलिए नाराज चल रहे थे इनको काफ़ी एक बार ये सफल हुआ तब भी इनको उम्मीद थी कि इनको मोदी मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा लेकिन मोदी जी ने ना अमित शाह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी ना इनको शामिल किया इसी नाराज़गी के चलते इन्होंने जो है हमेशा से जो है मोदी सरकार के कामकाज की का विरोध करना शुरू किया और अमित शाह के कार्यकाल का विरोध करना शुरू किया लेकिन उसका कोई पार्टी ने इसलिए प्रतिफल नहीं दिया पार्टी इनको निकालना नहीं चाहती थी पार्टी नहीं चाहती थी कि जो है वहाँ की सीट डिस्टर्ब हो या हमारा जातिगत समीकरण जो ये लाला बिरादरी से आते हैं कायस्थ बिरादरी से वो डिस्टर्ब हो तो इसलिए पार्टी ने इनको कोई इस तरह का एक्शन नहीं दिया इनको शो इनको अंदर अंदर इनको कई बार निर्देश दिए गए कि आप इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधि ना करें और पार्टी पार्टी फोरम पे ही जो आपको कहना है जो आपकी जो आपका मतलब विरोध है उसको पार्टी फोरम पे कहें पार्टी कार्यालय में कहें हाँ। वहां पर बताए लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुनी किया और ये हमेशा तलख अंदाज में ये चीज हमेशा विरोध करते रहे उल्टा सीधा कहना अपने प्रधानमंत्री को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये उसमें इन्होंने बेलगाम रहे हाँ। पार्टी ने इस लेकिन अपने एक सांसद को कम न करने के उद्देश्य से और इलेक्शन करने के उद्देश्य से उन्होंने उसको नहीं किया पार्टी ने, ने इनको है। जो है निकाला नहीं नहीं तो पार्टी तो, से कब का स्पेल कर दिया गया होते। तो नजरअंदाज करते करते आज पार्टी से ही टिकट कट गया पार्टी से ही टिकट कट गया और आज जो है वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी इनको लाले पड़ रहे हैं कहना नहीं चाहिए ठीक बात है आलोक जी इन्होंने इतना विरोध किया था कि चाहते थे कि ये पार्टी से निकाल दिए जाए और शहीदों में इनका नाम हो जाए ताकि सिंपैथी इनके साथ आ जाए जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा जी का सवाल है इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे यशवंत सिन्हा जी वो भी जो है मोदी जी से बड़े रुष्ट थे क्योंकि उनको भी इस बार कोई पद नहीं मिला हालांकि उनके जो पुत्र हैं जयंत सिन्हा उनको मिनिस्ट्री में दर्जा मिल गया था तो ये दो लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे बिहार से यशवंत सिन्हा जी और ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी तो इन दोनों ने इतना ज्यादा पार्टी का विरोध किया हमको तो इन लोग के पेशेंस पे अमित शाह और मोदी जी पे आता है इतना ज्यादा विरोध करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया सिवाय जो है बंद कमरे में निर्देश देने के अलावा जहां तक चुनाव जीतने की बात है तो चुनाव देखिए पार्टी के ऊपर लड़ा जाता है कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है वहाँ पे जो आपके जो रवि प्रसाद जी हैं रवि शंकर प्रसाद जी एक बड़े नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं लॉ मिनिस्टर हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी शायद उनके पास आ गई इस समय तो कहने का मतलब है कि एक बड़े स्तर के नेता हैं बीजेपी के दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं बीजेपी का वहाँ बलबोला है काफ़ी वहाँ पे बल चल रहा है इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है बिहार में अच्छी नहीं है सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि बॉलीवुड का जो स्टारडम है वो भी सतरुगन सिन्हा जी के इस बार काम नहीं आएगा हम्म लेकिन एक अहम सवाल आलोक जी, जी। क्योंकि ये पटना साहिब से टिकट कटा इनका और बीजेपी से टिकट कट गया बागी तेवर इख्तियार किया गया सफर इनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन था उस कठिन सफर में भी ये कहीं ना कहीं पराक्रम होकर निकले और कहीं ना कहीं इनकी जो फॉलोइंग है वो ज़्यादा है लेकिन वो फॉलोइंग भी असर नहीं आ रही है सवाल ये कि कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस में अगर ये दामन औपचारिक रूप से ऐलान होता है तो कहाँ से इनको सीट मिलेगा जो आमने सामने से बीजेपी का टक्कर देकर उसको मात देकर सत्ता में आ सकते हैं तो देखिए कांग्रेस में तो देखना पड़ेगा पहले आज इनको इंडक्ट तो करें ये एक बार बड़े बेआबरू होके निकल चुके हैं केवल इनको अवशासन मिला था अभी कुछ दिन चंद दिन पहले राहुल गांधी से मिलके भी आए थे 28 तारीख को तो अभी तो इनका बड़ा संशय है जैसा कि रस्तोगी जी बता रहे थे कि पहले तो इनको जो है कांग्रेस में शामिल करके और इनका घोषणा की जाए कि इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है फिर इनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी हो सकता है आखिरी टाइम में मंथन हो कुछ इनको ऐसी सीट दी जा सके कि जहां से जो है ये जीतने की इनकी उम्मीद हो जहाँ तक पटना साहिब का बात है कि देखिए ये लोग सब बॉलीवुड वाले हैं प्रोफेशनल्स हैं जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं और ना ही अपने क्षेत्र के लोगों का ये ध्यान रखते हैं क्योंकि कि ये इतने बड़े हो गए आम आदमी तो तो इनसे तो मिल ही नहीं सकता है जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी इनसे अपॉइंटमेंट लेते होंगे मिलने का क्योंकि ये लोग काम का आदमी है इनके पास और भी बहुत से काम रहते हैं फिल्मों में भी इनका काम चलता रहता है तो ऐसे स्थिति में जनता का इनका कितना जुड़ाव है ये देखना पड़ेगा दो बार से आप लगातार वहां जीत रहे हैं क्षेत्र के लिए आपने कोई काम किया नहीं है जनता केवल आपके स्टारडम से आपसे साथ कितने दिन तक जुड़ी रहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है ठीक बात है पंकज जी स्टारडम की बात हटा दें अगर लेकिन अगर इस तरह से अगर हम किसी पार्टी में हैं, बात सही है कि अगर हमें हम किसी बात को लेकर खफा है तो हमें बैकडोर पर बात करना चाहिए ना कि विपक्षों के साथ मंच साझा करके हम वहां पर पार्टी की बुराइयां करें उसके बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा उसके बाद बीजेपी की धर कर बुराइयां करते हुए नजर आए और अब कांग्रेस में अगर शामिल हो रहे हैं क्या तो कांग्रेस में भी यही बागी तेवर रहेगा और अगर पार्टी से निकाला जाएगा फिर कांग्रेस की बुराइयां करते हुए नजर आएंगे किस तरीका का व्यक्तित्व व्यवहार पेश कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा देखिए ये तो इनके नेचर में है और इनको ये आराम तलब व्यक्ति है बॉलीवुड के आदमी है ये कोई नई बात नहीं है जितने भी बॉलीवुड के लोग आते हैं वो अपने स्टारडम पे ही चुनाव जीत जाते हैं और क्षेत्र में कोई काम नहीं करते बहुत ज्यादा सफल भी नहीं हुए नहीं होती हाँ। और नेता ये कोई काम है। करते नहीं पब्लिक इनको चिराग लेके घूमती रहती है ढूंढती रहती है जैसा की अभी देखिए बॉम्बे में गोविंदा ने चुनाव लड़ा फिर उसके बाद वो गायब हो गए उसके बाद पब्लिक खोजती रह गई गोविंदा का पता नहीं हुआ यही हाल वहां से राजस्थान से धर्मेंद्र चुनाव लड़े उनका हुआ अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी का ये हुआ तो ज्यादातर लोगों का यही है वो अपनी बपौती समझते हैं कि बस हमने जीत लिया चुनाव उसके बाद पब्लिक ना उनसे मिल सकती है ना कोई वो कर सकती है वो ये बहुत बड़ी विडम्बना है लेकिन पार्टियों की मजबूरी है कि पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा सांसद जिताने हैं इसलिए वो स्टार्टअप का सहारा लेती है उनके प्रचार का सहारा लेती है सारी पार्टियां अब शत्रुघ्न सिन्हा जी की लीजिए तो शत्रुघ्न सिन्हा जी आरजेडी में भी जा सकते थे लेकिन आरजेडी में इनका कोई ठौर नहीं मिला इसलिए ये यहाँ पे है माननीय नीतीश कुमार जी वैसे इनको पसंद नहीं करते तो इसलिए इनको इनकी मजबूरी है इसलिए ये कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं और कहीं और कहीं इनको कोई राज्यसभा में भेजने को तैयार नहीं है नहीं ये कहीं से भी इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये कहीं से वो करें भले वो अब अपनी बेटी सोनाक्षी सु, सिन्हा को चुनाव चुनाव में प्रचार के लिए उतार सकते हैं कि जिससे वो उसका प्रचार हो प्रसार हो चुनाव जीतने के लिए लेकिन हमको जो लगता है कि अब इस बार इनका ये फोकस जादू चलने वाला नहीं क्योंकि पिछले विगत चुनाव के दौरान इन्होंने कोई कार्य व्यवहार जैसा कि लोग क्षेत्रीय लोग वहां के बताते हैं इन्होंने कुछ किया नहीं पब्लिक के लिए न कोई संसद में क्वेश्चन उठाया न संसद को अटेंड किया कि पूरे पांच साल में इन्होंने संसद पूरा अटेंड किया हो तो कि ये सब इनका आचार व्यवहार खाली विरोध करने से यशवंत सिन्हा के साथ और वो करने से नहीं चलता है यशवंत सिन्हा इनके सवाल आलोक जी आपसे कि वो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास लेकिन ऐसे स्टार्डम को वोट बैंक भरने के लिए स्टार्डम सेलिब्रिटीज को आप उतारते हैं जो कि अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिन भी नहीं जाते जो संसद भवन में भी नहीं प्रवेश करते हैं कि क्या चल रहा है मुद्दा उस पर सोनाक्षी सिन्हा ने यह कहा अपने पिता के लिए कि इनको बीजेपी कब का छोड़ देना चाहिए था इसके बाद भी अगर देखा जाए तो आमने सामने की टक्कर देने के लिए विपक्षों को बीजेपी ने फिर उन्हीं सेलिब्रिटी को स्टारडम के लिए वोट बैंक के लिए उतारा है तो किस बात की है मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ विकास क्योंकि जब उनके ही संसद और विधायक क्षेत्रीय संसद में नहीं जाते हैं तो डेवलपमेंट जब रूट लेवल पे नहीं होता है तो हम आगे के आगे की डेवलपमेंट पे कैसे बात कर सकते हैं देखिए जब चुनाव आता है और कोई भी पार्टी है वो जीतने के लिए ही लड़ती है हाँ। तो उस समय जो साम दाम दंड भेद होते तो हैं वो अपनाए जाते हैं, जाते हैं। है। लेकिन अगर देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी की जैसे हम बात करें तो उन्होंने हमें लगता है कई बार बीजेपी ने मेहनत की उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की होगी कुछ उनके स्टार्टअप का भी रहा होगा उनको जिताया गया और उसके बाद उन्होंने वहां पे कार्य नहीं किया हमें लगता है जो उनकी जो विधायक निधि या सांसद निधि होती है उसका भी जो है उन्होंने उपयोग नहीं, नहीं किया नहीं। होगा वहां तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं जैसे आप सचिन तेंदुलकर साहब का नाम ले लीजिए वो अपनी पूरी तनख्वाह उठा के जो है आपके प्रधानमंत्री कोर्स में डाल देते हैं तो इस तरीके से भी आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जबकि वो राज्यसभा के थे और अपने जितना भी संसदीय उनका जो पैसा होता है वो दान कर देते हैं पे पे जिस क्षेत्र में जिसको चाहिए वो वो लगाया जा सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं उनके पास समय कम होता है वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो जो राजनेता लोग बैठे हुए हैं वो उनके धन का सही उपयोग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बहुत बड़े अभिनेता हैं आप अपना काम छोड़ कर जो है जमीनी पे जाएं और जाके वो करें ठीक है आपने चुनाव जुड़ लिया जैसा कि रस्तोगी ने कहा है कि हर यहाँ काउंटिंग ऑफ हेड्स होती है हर पार्टी चाहती है उसके सांसद जो सांसद जो है वो ज्यादा हों ताकि वो वहाँ पर रूलिंग पार्टी में बैठ सके पक्ष में बैठ सके तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट जिताने के लिए कुछ इस तरीके के चंद कैंडिडेट लगाए जाते हैं है। और उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनके पास उतना ज्ञान समय नहीं है तो वो अपने संसदीय राशि को किसी ऐसे को सौंप दें जो उसका सुचारू रूप से काम कर सके तो आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बागी तेवर हमेशा से इख्तार किए हुए थे और अमित शाह हो या फिर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यक्रमों से उनके कामों से कभी भी खुश होते हुए नजर नहीं आए विपक्षों के साथ खड़े होकर पार्टी के खिलाफ हमेशा से बोले जिसका अंजाम ये निकला कि इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट कटा लेकिन अब औपचारिक रूप से ये ऐलान हो सकता है कि कांग्रेस का दामन पकड़ सकते हैं अहम बात यह कि कहां से उनको टिकट मिलता है क्या इस बार सत्ता में आएंगे या फिर हमेशा के लिए राजनीति से टिकट कट जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा